for mobile related बहुत लाउड है। प्लीज कॉल 1503 फॉर ऑल अदर इंक्वायरीज कंटिन्यू। सो गाइस आज हमारे पास आ चुकी है फास्ट ट्रैक की लिमिटलेस FS2 Pro। यस, इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू आपको मिलेगा नहीं आई थिंक ऑन यूट्यूब। FS1 Pro का तो है बट FS2 Pro का नहीं है बेसिकली। तो लिमिटलेस FS2 Pro ये Amazon पे लॉन्च हुई थी और 2699 मिल रही है। 2699 में बहुत ज़्यादा महंगी आई गेस यहाँ पे, क्योंकि FS1 Pro तो आई थिंक आपको सेल वेल पे 1799 तक के प्राइस ब्रैकेट में मिल जाती है। तो इस तरीके से देखने को मिल जाता है बॉक्स इटसेल्फ एंड इसको रखते हैं साइड में, थोड़ा सा अंदर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको देखने मिलता है एक्स्ट्रा स्ट्रैप एक, तो यस यहाँ पे फास्ट ट्रैक का एक्स्ट्रा स्ट्रैप मिल जाता है देखने के लिए। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे केबल मिल जाती है, चार्जिंग केबल ये रही, और भी चीज़ें मिलती हैं आई गेस यहाँ पे। ओके आई थिंक कुछ ये रहा, ये आपका यूज़र गाइड, यूज़र मैनुअल, ये सब चीज़ देखने को मिल जाती है और यहाँ पे इसको आप पढ़ सकते हैं। ये आपका वारंटी इन्फॉर्मेशन है, वारंटी रजिस्ट्रेशन है, दैट्स इट। इसको हम साइड रखते हैं, मेन जो वॉच है उस पर आते हैं। यहाँ पे ये रही हमारी वॉच इटसेल्फ एंड गाइस लुक और फील तो सेम ही लग रहा है मेरे को FS1 Pro जैसे। यस पॉलीकार्बोनेट ही बिल्ट है और 22mm स्ट्रैप साइज ही है, सिमिलर ही लग रही है। 2.5D कर्व ग्लास है, 1.96 इंचेस की डिस्प्ले लग रही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं लग रहा है मेरे को। पीछे की साइड आपको सेंसर मिल जाते हैं डेडिकेटेड एंड यहाँ पे आपको स्पीकर कमेंट मिलता है, यहाँ पे आपको माइक कमेंट मिल जाता है देखने के लिए। एंड चलिए इसको हम ऑन कर लेते हैं। इसमें आपका एक चीज़ है मतलब प्लस पॉइंट जो कि FS1 Pro में नहीं था, रोटेटिंग क्राउन मिल जाता है इसमें आपको, उसमें रोटेटिंग क्राउन नहीं था, तो ये डिफरेंस है पहला मेजर डिफरेंस। दूसरा तो कुछ भी डिफरेंस ही नहीं है, मतलब फिजिकल जो ओवरव्यू है वो तो सेम ही है। मेरे पास एक्चुअली FS1 Pro अभी है नहीं, मैं कंपैरिजन ज़रूर करता, मैं कोशिश करूँगा अपने फ्रेंड से वापस लेने की, उसके पास मैंने दे रखी है। तो चलिए इसको ऑन कर लेते हैं। फास्ट ट्रैक का लोगो आ चुका है यहाँ पे और तो यहाँ पे ऑन हो चुकी है, देख सकते हो यहाँ पे डीपर ब्लैक्स पंची कलर्स प्रॉपर मिल जाते हैं और बैटरी भी इसमें काफ़ी कम है। आई गेस यहाँ पे बहुत टाइम से इसको चार्ज नहीं किया गया है, मुझे लग रहा है कि मतलब इन्होंने वही वाली दे दी है, मुझे लग रहा है बिना चार्ज करे। इस तरीके से आप यहाँ पे मेन्यू में स्क्रॉल कर सकते हो, लैग तो है डेफिनेटली, यहाँ पे लैग तो कर रही है उसी की तरह। एंड हाँ इसमें आपको कैलकुलेटर भी देखने को मिल जाता है जो आपको फास्ट ट्रैक रिवोल्ट FS1 Pro में नहीं मिलता था, इसमें आपको जरूर मिल जाता है कैलकुलेटर। ये आपको टॉगल में नहीं मिलता है। इस तरीके से सेटिंग पे अगर जाएं तो यहाँ पे सेटिंग में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे वॉच फेसेस मिल जाते हैं, स्क्रीन टाइम, मेन्यू स्टाइल भी देखने को मिल जाता है, वाइब्रेशन अलर्ट्स भी चेक कर सकते हो और यहाँ पे आप साउंड सेटिंग भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, रिंग एंड वाइब्रेशन पे रखना है। QR कोड है, पावर ऑफ है, रीसेट है, अबाउट है और रीस्टार्ट है, दैट्स इट। चलिए एक काम और करते हैं, और चीज़ चेक कर लेते हैं यहाँ पे, रीस्टार्ट, QR कोड भी थ्रू द एप्लीकेशन आप यहाँ पे मतलब एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। और यहाँ पे सिंगल चिप कनेक्टिविटी मिलती है, वॉच में सॉन्ग सुन सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा सुना के। एंड यहाँ पे सिंगल चिप कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है और वॉच में सॉन्ग सुन सकते हो, मैं आपको सुना के दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। और इसी के साथ साथ दैट्स इट, और तो चीज़ें मिलती नहीं है यहाँ पे। मेन्यू भी बात करते हैं, थोड़ा सा मेन्यू चेक कर लेते हैं। यहाँ पे माई फिटनेस का ऑप्शन मिल जाता है जो आपने एक्टिविटी परफॉर्म किया वो शो करता है। मल्टी स्पोर्ट्स देखने को मिल जाता है यहाँ पे, तो वॉकिंग वाला यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। 50 स्टेप चल के देखते हैं यहाँ पे एक्यूरेसी कैसी क्या मिलती है इस वॉच की। तो 50 स्टेप चलने के बाद यहाँ पे एक्यूरेसी आपके सामने है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। 61 स्टेप्स कहाँ गए इसमें, 61 स्टेप्स दिखा रहा है, तो एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा अभी बेटर नहीं है यहाँ पे, डिसेंट है, बहुत ज़्यादा बेटर नहीं कहूँगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे स्लीप मोटर मिल जाता है, हार्ट रेट मोटर मिल जाता है, वैसे डेडिकेटेड सेंसर आई थिंक मिलेंगे आपको इसमें, ग्रीन एक्सन सेंसर जल ही रहा है आपके सामने। और उसके बाद यहाँ पे SPO2 लेवल मॉनिटर मिल जाता है देखने के लिए, आपको दिखाता हूँ। यस डेडिकेटेड सेंसर ज़रूर है। और फ़ोन का ऑप्शन देखने मिल जाता है यहाँ पे, कॉलिंग वाला भी चेक करेंगे, गेम्स भी देखने मिल जाते हैं यहाँ पे, चार गेम्स मिलते हैं सेम आपको, और रेसिंग वाला गेम भी देखने मिल जाता है यहाँ पे, आप कार रेसिंग कर सकते हैं एंड बैक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्कलरेशन वाला टाइप का गेम मिल जाता है, म्यूजिक कंट्रोल देखने मिल जाता है, वॉच में सॉन्ग सुन सकते हो यहाँ पे, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद कैमरा शटर है, वेदर है, अलार्म आप सेट कर सकते हो वॉच में इटसेल्फ, कहाँ गया ये रहा, अलार्म आप सेट कर सकते हो, प्रॉपर रिंग करता है यहाँ पे, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और स्टॉप वॉच मिल जाता है, टाइमर मिल जाता है और फाइंड माय फोन है, फ्लैश लाइट देखने मिल जाती है यहाँ पे, डिस्प्ले क्वालिटी आप देख सकते हो इस तरीके से देखने मिलती है, तो काफ़ी सिमेट्रिकल टाइप की डिस्प्ले है और एमोलेड डीपर ब्लैक्स पंच कलर देखने मिलते हैं। एंड कहाँ गया ये, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का पैनल है बेसिकली, ये इस तरीके से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रेस्ट भी काम करता है एक साथ। नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे कैलकुलेटर मिल जाता है, तो ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और तो अभी काम करते हैं, ये तो हो गया ऊपर पर की चीज़ें, अभी काम करते हैं इसको एप्लीकेशन से पेयर कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे कैसे क्या काम करती है वॉच और कौन सी एप्लीकेशन से पेयर करना है इसको। तो सेम एप्लीकेशन है, फास्ट ट्रैक वर्ल्ड करके एप्लीकेशन है आई थिंक ये वाली, साइन अप करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा सब कुछ, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन स्किप कर देते हैं इसको, उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो थ्रू द, हम वो कर लेते हैं फ़ोन के साथ।
तो क्यू आर कोड को स्कैन करने से पहले परमिट कर देना सारी चीज़ों को, नोटिफिकेशन परमिट परमिट इसको भी कर देना है, और नियर बाई डिवाइसेस मतलब लोकेशन सर्विसेज आपको अलाउ कर देनी है, ब्लूटूथ आपको ऑन कर देना है, तो सब कुछ ये परमिशन आपको दे देनी है, उसके बाद ही पेयर होगी, नहीं तो पेयर नहीं होगी ये वॉच। ठीक है, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एंड यहाँ पे ये आपकी पेयर हो चुकी है, ये वेदर परमिट ये सब चीज़ें आप दे सकते हो। यहाँ पे वॉच फेस आपके देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे वॉच फेस आपको देखने को मिलते हैं, एंड इसमें से आप लगा सकते हो, ये हैं कुछ, ये वाले आवल वाला भी काफ़ी अच्छा है, एंड वन थिंग देखो यहाँ पे वाला भी देना चाहिए था, जो इंडिपेंडेंस डे वाला भी देना चाहिए था इनको, एक ये वाला कौन सा है, ये लगा के देखते हैं, सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है बेसिकली। तो सिंक्रोनाइज होने के बाद यहाँ पे वॉच फेस आप लगा पाओगे, अभी भी सिंक्रोनाइज ही हो रहा है, चार्ज और वॉच टू 16%। तो गाइस चार्ज नहीं है आई गेस, यहाँ पे कॉलिंग वाला कनेक्ट होगा कि नहीं, तो यहाँ पे पेयर भी हो चुकी है, बट बैटरी जो है 6% ही है। देखते हैं यहाँ पे 6% पे कॉल लगेगा, क्योंकि मेन वही था गाइस, कॉल लगाना, लाउडनेस आपको चेक कराना। अब लग गई, तो आई गेस यहाँ पे जी उसका है ना, तो ये कस्टमर केयर वाला कोई नंबर डायल करते हैं, वो तो लग नहीं रहा 198 वाला इसमें, बहुत लाउड है। कॉल ट्रांसफर का ऑप्शन भी है, इस तरीके से कट कर सकते हो। एंड गाइस अब फाइनल कंक्लूजन आपको देता हूँ, देखो क्योंकि बैटरी नहीं है तो फाइनल कंक्लूजन देना बनता जल्दी। यहाँ पे वॉच अच्छी है डेफिनेटली यहाँ पे, बट प्राइस बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से FS1 Pro ज़्यादा बेटर है इस वॉच से लेना, और ये कोई सेंस नहीं बनाता मेरे ख्याल से 2600-2700 रुपये के लेने के लिए। 2600-2700 रुपये लगाने का कोई मतलब नहीं बनता मेरे ख्याल से, आपको FS1 Pro के लिए जाना चाहिए। कुछ चीज़ें कम मिलेंगी, रोटेटिंग क्राउन नहीं मिलेगा आपको, कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, एड्स तो सारी चीज़ें सेम ही मिलने वाली हैं, और रेस्ट टू वे कॉलेज उस पर सब कुछ देखने को मिलने वाला है। तो गाइस ये थे सिंपल सा रिव्यू, अगर आपका क्वेरी इस वॉच से रिलेटेड और भी कुछ रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय। एंड यहाँ पे देख सकते हो कॉलिंग आ रही है, तो क्विक रिप्लाई का ऑप्शन देखने मिल जाता है, जैसे कि यहाँ से इनेबल करना पड़ेगा। ओके, हमने अभी रीसेट किया ना, तो इनेबल करना पड़ेगा। मैं उठा के दिखाता हूँ लाउडनेस कैसी है। हेलो, हाँ ठीक है, वही सही रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉल क्वालिटी मिल जाती है। तो गाइज मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।